चश्मा लगाया, देखा तिलक को मम्मी साथी लंबा चौड़ा पहने लगते हैं तो फटेगी है, तो इतना बड़ा तिलक लगाया तो चोरी करने के लिए। हमने कहा नहीं, हमने चोरी करने के लिए तिलक तो नहीं लगाया है, पर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, आप हमने अपराध किया है जिसका जो दंड होता हो आपके कानून के अनुसार वो दंड हमको दीजिए, हम सहर्ष उसको धोते हैं। लेकिन आप धोती पर कुर्ता पर तिलक पर आक्षेप होते हैं, इतना बड़ा तिलक चोरी करने के लिए आपको जो हमने गलती की है आपको जो सजा देने में उनको सजा दी। आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं कहूँगा तो आपको विश्वास होगा, इसलिए आप जो चाहो उसको सजा दे दो, बस कुछ पटा मत बोलो इतनी सजा जो सजा दे। तो उसने कहा कि नहीं सच्ची सच्ची बात बता। मैंने कहा भाई देखो झूठ तो मैं बोलता नहीं, सच्ची बात बता रहा। तो जो बात थी आदि से तक हमने बताई, तो उसने उस पुलिस वाले को डांट कर कहा अरे तुम कितने शरीफ पंडित जी को पकड़ के ले आए। जनक नंदनी श्री जानकी जी के धवल सुयस से जगमगा रही, वाल्मीकि महर्षि का वाक्य है कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। श्री रामचरित्र को यह उच्चता यह निखार यह प्रेरकत्व जो प्रदान किया है वो श्री जानकी जी ने। क्या कहें, अब प्रसंग में बात आ गई तो हम कह देते हैं आगे की बात। अस्थि समूह देखकर उड़ाया, राम जी ने देखा है गेहूं का पहाड़, तो पूछा ये सफेद सफेद क्या चीज है, बोले महाराज निश्चर निकर सकल ये राक्षसों ने महात्माओं को खा खा करके हड्डियों के ढेर लगा दिए पहाड़। बोले राम राम कितने खाद्यों को खा गए। बोले हाँ राम जी ने, राम जी ने निश्चर ही नकर हुमई भुज उठाय अपन की सकल मुनि के आस में जाय जाय सुर। राम जी ने भुजा उठा की अब दैवी संस्कृति इस धरती पर रहेगी, आसुरी संस्कृति धरती पर नहीं रहेगी, मैं सबको समाप्त करूंगा। आगे चली तो जानकी जी ने कहा प्रियतम मैं आपसे कुछ कहना चाहती। जानकी ने कहा फिर जानकी जी थोड़ी संकोच में, अरे संकोच मत करो कल पहले तो घर जाए तो कहना चाहती हूँ चुप हो गई आप मम हो गई क्या कहना चाहती हूँ। तो बोली आप ऐसा मत सोच रहे कि मैं बड़ी पंडिता बनकर आपको उपदेश दे रही हूँ, स्मारे काम न शिक्षा है, आप तो धर्म विज्ञ हैं आपको क्या कोई बताएगा, मैं केवल स्मरण करा रही हूँ
याद दिला रही हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रही, आपको शिक्षा नहीं दे रही। राम जी ने कहा भगवती इतने अधिक संकोच की क्या जरूरत है, जो कुछ मन में आया सीधे सीधे शब्दों में कह दो। जानकी जी ने जब आप आज्ञा कर ही रहे हैं सुनना चाहते तो सुन लो। तीन दोष ऐसे हैं जो उच्च शिखरस्थ पुरुष को भी तत्काल नीचे गिरा सकते हैं। भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें यदि तीन दोषों में से एक दोष भी आ जाए उसे नीचा देखना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। इसे धर्मनिष्ठ पुरुष को इन तीन दोषों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जानकी जी कहती है पहला दोष है असत्य भाषण, झूठ बोले भाई। आपका भाग्य अनुकूल है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल है, आप पर कौन जागरूक चाहिए, पर आपका ही झूठ कभी आपको ले चुके, आपको नीचे ही देखना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो शास्त्र का यह वचन झूठा हो जाएगा, सत्यम जयति नानृतम, सत्य की ही विजय होती है झूठ की। और ऐसा नहीं होगा तो सत्य में वो जयते जो लिखा जाता है हमारी भारतीय मुद्रा पर वो वाक्य भी व्यर्थ हो जाए, सत्य में झूठा व्यक्ति भी अपने झूठ को जब सत्य के रूप में परोसता है तब उसका काम चलता है। ऐसी बात है कि नहीं? आप ये बोल के झूठ बोलते हो कि मैं बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा हूँ, ये बोलते तो झूठ नहीं बोलते। आप झूठ को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपका झूठ सत्य के रूप में प्रमाणित हो जाए, पर अंत में वह झूठ ही रहेगा, वो सत्य नहीं होगा। असत्य को झूठ बनाने का कितना भी प्रयत्न किया जाए तो सत्य ही है। आप कहेंगे प्रमाण दे, कितने से फिरे लोग थे जो एक काल में श्री राम सेतु को एक कल्पना मात्र कह रहे थे कि राम सेतु कह ही नहीं, तो कह रहे थे और नासा ने उपग्रह से फोटो खींच कर बताया कि नहीं, किसी अप्रतिम व्यक्तित्व के द्वारा अलौकिक शक्ति के द्वारा अलौकिक मटेरियल से कोई एक विशेष सेतु निर्मित हुआ है, उसके चिन्ह आज भी सागर में हैं। लोग कहते थे ऐसे भी सेतु राम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, शक्ति व्यक्ति नहीं है, ये काल्पनिक है। एक उपन्यास के बाद क्या है रामी काल्पनिक है, राम जी सत्य नहीं है। और जो व्यक्ति यह कह रहा था आपको जिंदा नहीं कह सकता ये कह रहा था, उसी व्यक्ति ने कभी कहा था कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, हम रावण की संतान है, रावण दक्षिण पर। अरे भाई तो राम जी को तो कल्पित पुरुष मान रहे हो और रावण को सत्य मान रहे हो, तो रावण में कल्पित हुआ कि नहीं हुआ? तो राम सेतु को नकारना वो सत्य को नकारना था, अंत में विजय किसकी हुई? राम सेतु सत्य की। आप सत्य को चाहे जितना झूठ कहकर प्रस्तुत करें सत्य अंत में सत्य रहेगा,
और झूठ को चाहे जितना सत्य का स्वरूप देकर प्रस्तुत करे, अंत में कलई खुलेगी और झूठ झूठ ही रहेगा। जानकी जी ने कई पहला व्यक्ति को तात्कालिक लाभ हानि का भी विचार नहीं करना चाहिए, सत्य बात चले।